जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुल्क इकोनॉमी इस टाइम के ऊपर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। इन्फ्लेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, गोल्ड की प्राइसेस देखें बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, डॉलर की प्राइसेस भी स्टेबल नहीं है और पेट्रोल की प्राइस बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। और इस वजह से ना मुल्क इकोनॉमी की इन्फ्लेशन की वजह से हमारे रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और जब डॉलर मार्केट शॉर्ट हो जाता है तो बाकी करेंसीज भी फ्लक्चुएट करती हैं और इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से डर जाते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो पा रही, इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे और ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स में भी एक फियर आ चुका है। इसी अनस्टेबिलिटी को लोग अपने एक्सपेंस को बेयर करने के लिए स्कैम करते हैं, यानी फॉल प्ले करते हैं। जी हाँ, बहुत सारे यंग पाकिस्तानी फ्रस्ट्रेशन के नतीजे में अब्रॉड मूव करना चाहते हैं और कुछ कर भी चुके हैं। इस ओवरऑल टाइम पीरियड की बात करें तो रियल एस्टेट वो वाहिद सेक्टर है जिसने इस पूरे टाइम में बेहतरीन परफॉर्म किया है। बढ़ती आबादी के साथ साथ लोगों की हाउसिंग नीड भी बढ़ती है और गुड फैसिलिटीज भी तलाश कर ओवरसीज पाकिस्तानी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स देने चाहिए ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करें। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंश्योर्ड होते हैं, जो कि टैक्स एमनेस्टी अप्रूव्ड होते हैं, हमें इन प्रोजेक्ट्स में अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है बैरियर टाउन में वो सारी अमेनिटीज मौजूद हैं जो कि किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए आइडियल है, सारी सहूलियात यहाँ पे मौजूद है। हमारा प्रोजेक्ट बुर्जुल डिस्ट्रिक्ट बैरियर टाउन के पोश एरिया में वाकया है और ये भी एक ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसमें प्राइवेसी का भी ख्याल किया गया है, कमर्शियल टावर्स भी डिफरेंट है, रेजिडेंशियल टावर भी डिफरेंट है, 60 फुट की SMD स्क्रीन है जो कि पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट SMD स्क्रीन्स है, उसके बाद ओपन एयर लाउंज है जहाँ पे आप अपनी मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। इन शॉर्ट आपको बताऊंगा कि ये एक आइडियल जगह है इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी ओवरसीज पाकिस्तान। नाउ द रिस्पांसिबिलिटी इज ऑन द रिमेनिंग पाकिस्तानी यूथ, हमें अपने ही मुल्क में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी चाहिए और क्रिएट करनी चाहिए। तो इस न्यू ईयर के साथ नई शुरुआत करें और हमारे साथ रेजोल्यूशन 2024 में साथ दें। तो अभी विजिट करें हमारा ऑफिस अर्थ कनेक्शन बैरियर टाउन फेज 7 और पाकिस्तान की इम्प्रूवमेंट में हमारा साथ दें।